अस्सलाम वालेकुम। आज बनाऊंगी मैं घर पर ही 10 रुपए की पत्ता गोभी के मंचूरियन। मैंने पत्ता गोभी को कट कर लिया, मैंने हाथों से ही कट किया है। इसका पतला कटिंग करना है, आप चाहे तो मेशर से भी इसे बारीक कटिंग कर सकते हैं। मैंने इसमें नमक डाला है स्वाद अनुसार, मैंने इसमें काली मिर्च पाउडर डाला है आधा चम्मच, आधा चम्मच गरम मसाला डाला है, मैंने 2 से 3 हरी मिर्च डाली है बारीक कटिंग करके, मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। अब मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी आधा चम्मच और हरा धनिया डाल दूँगी। इन सभी को मैंने फ्रूट कलर लिया है, रेड कलर का फूड कलर है ये, मैं ये भी इसमें डाल दूंगी कलर के लिए और अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी इनको सभी को हाथों से। नमक डालने के बाद पत्ता गोभी में भी पानी छूटता है इसलिए पहले मैं इन्हें मिक्स कर लूंगी। मैंने चावल का आटा लिया है 1 कटोरी, 1 कटोरी मैंने मैदा लिया है लेकिन मैं अभी थोड़ा थोड़ा ही डालूंगी और इन सभी को अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूंगी। बैटर को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैंने 1 गिलास पानी लिया है, उसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ऐड करूंगी और इसे भिगा लूंगी। मुझे और इसमें आटा लग रहा था इसलिए मैंने और इसमें मैदा और चावल का आटा डाला है, मैं इसे और अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और थोड़ा पानी डाल के मैं इसे ही कर लूँगी। मुझे 1/2 गिलास पानी लगा है इसे भिगाने के लिए। इस तरह का बैटर तैयार कर लिया है मैंने। एक तरफ मैंने ऑयल गरम कर लिया, आज को मैंने मीडियम ही रखा है, ऑयल को ज़्यादा गरम नहीं करना है, मीडियम ही गरम करना है और उसमें मैं छोटे छोटे ये करके मंचूरियन डाल दूँगी गोल शेप में। आप इसे जैसा भी शेप बने उस शेप में आप इसे फ्राई कर सकते हैं। इससे थोड़ा सा फ्राई होने के बाद मैं इसमें चम्मच हिला के इसे ऊपर नीचे कर लूँगी ताकि ये नीचे चिपके ना, इसे ब्राउन कलर आए तक के होने देना है क्योंकि चावल के आटे से अच्छे खुसखुसे बनते हैं ये और करारे बनते हैं, इसलिए मैं इसे थोड़े देर तक के और होने दूंगी और इसे जाली में निकाल लूँगी। ये बनके रेडी हो चुके हैं। दूसरा भी मैं इसी तरह फ्राई कर लूँगी। इसी तरह थोड़े थोड़ा करके मैंने इसमें जो बैटर बना के रख लिया था मंचूरियन का वो भी इसमें डाल दूँगी, थोड़ा थोड़ा ये करके इसे भी फ्राई कर लूँगी गोल्डन कलर आए तक के। अच्छा फ्राई करना है इसे। ये बन के रेडी हो चुके पत्ता गोभी के ढेर सारे मंचूरियन, करारे कुरकुरे। आप इसे टमाटर सॉस के साथ में या किसी भी चटनी के साथ में खा सकते। रमज़ान स्पेशल मंचूरियन घर पे ही खाइए 10 रुपए की गोभी में। अस्सलाम वालेकुम।